दिल्ली विधानसभा चुनावों की वोटिंग खत्म होने के बाद शनिवार की शाम को आए एग्जिट पोल के नतीजों को देखने के बाद भी बीजेपी के नेता दिल्ली में सरकार बनाने के दावे पर कायम हैं। बीजेपी नेताओं का मानना है कि उनको आम आदमी पार्टी से ज्यादा सीटें मिलेंगी। आम आदमी पार्टी को लगभग 30 से 32 सीटें मिलेंगी, जबकि बीजेपी को 36 से 38 सीटें जीतकर सरकार बनाने में कामयाबी हासिल हो जाएगी। बीजेपी के नेताओं का आकलन है कि कांग्रेस को भी 1-2 सीटें जरूर मिलेंगी। एग्जिट पोल के नतीजे को सिरे से खारिज करने के पीछे बीजेपी के नेताओं के अपने कई तर्क हैं। सबसे बड़ा तर्क तो पोल कंडक्ट करने की टाइमिंग और सैंपल साइज को लेकर दिया जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने रविवार को ट्वीट करके एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर सवाल उठाए। उनका मानना है कि इनमें 3 महत्वपूर्ण फैक्टर शामिल ही नहीं थे। सबसे बड़ा फैक्टर तो यह कि आखिरी के 2 घंटे में करीब 17% मतदान हुआ है और उसको किसी सूरत में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दूसरा महत्वपूर्ण फैक्टर यह है कि ईवीएम में खराबी को लेकर आम आदमी पार्टी द्वारा अभी से कहानियां गढ़ी जा रही हैं। और तीसरा फैक्टर है एग्जिट पोल के नतीजे। उन्होंने आगे लिखा है कि कुछ ताकतों को एग्जिट पोल के अलावा कुछ और होने की भी आशंका है। वहीं दिल्ली के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी का कहना है कि शनिवार को दिन भर वह जितने भी बूथों पर गए वहां बीजेपी की लहर देखने को मिल रही थी। उन्हें जानकारी मिली थी कि पोलिंग बूथों पर 50% से अधिक मतदान लोगों ने बीजेपी की टेबल पर जाकर ही वोटिंग की पर्चियां ली और बीजेपी के पक्ष में ही मतदान किया। उन्हें उम्मीद है कि इन सब ने बीजेपी को ही वोट दिया होगा। तिवारी का दावा है कि कुछ बूथों पर तो आपकी टेबल संभालने के लिए लोग तक मौजूद नहीं थे। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां पर आम आदमी पार्टी का हाल क्या रहा होगा। उनके मुताबिक बीजेपी दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में भी पहले से बेहतर प्रदर्शन करेगी। इस बीच शनिवार की शाम को वोटिंग के बाद प्रदेश बीजेपी कार्यालय में हुई पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मीटिंग में वोटिंग प्रक्रिया और एग्जिट पोल के नतीजों की समीक्षा की गई। सूत्रों के मुताबिक यहां मौजूद जेपी नड्डा समेत तमाम वरिष्ठ नेताओं का यही मानना है कि बीजेपी 45 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। इनमें से कुछ सीटों पर जहां कम मार्जिन से जीत की उम्मीद है, वहीं कुछ सीटों पर बंपर जीत का अनुमान भी लगाया गया है। तिवारी ने दावा किया है कि 11 तारीख को जब चुनाव के नतीजे सामने आएंगे तो यह साबित हो जाएगा कि हमारा आकलन सही था। लेकिन सभी एग्जिट पोल्स भाजपा को कहीं भी सरकार बनाते नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने तमाम एग्जिट पोल को खारिज करते हुए कहा है कि वह राज्य में सरकार बनाएगी। पार्टी का कहना है कि आखिर कुछ घंटों में जोरदार वोटिंग हुई है और उसे दिल्ली में बहुमत लायक सीटें मिल ही जाएंगी। मनोज तिवारी ने कहा है कि राज्य में बीजेपी की एक जबरदस्त लहर थी।